हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज यहाँ का वेदर जो है बहुत अच्छा वेदर है यहाँ पे। लास्ट कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा सैंड स्टॉर्म था यहाँ पे, डस्ट था और ठंडी हवाएं चल रही थी, तो बहुत ठंड महसूस हो रही थी, तो बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल था। आज वेदर साफ़ हुआ है, धूप निकली हुई है अच्छी खासी यहाँ पे, तो मैंने सोचा मैं आज आपको थोड़ा सा यूनिवर्सिटी का विजिट करवाता हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी दिखाता हूँ। तो विजिट से पहले आज मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ब्रीफ मेरी यूनिवर्सिटी का। मैं अभी करंटली असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब कर रहा हूँ किंग फैसल यूनिवर्सिटी अल हसा में। तो ये यूनिवर्सिटी जो है हफूफ सिटी में है, यहाँ पे सऊदी अरब में, दमाम से आलमोस्ट 150 किलोमीटर की दूरी पे है और रियाद से ये आलमोस्ट 400 किलोमीटर के आसपास है यहाँ पे। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस हैं यहाँ पे। तो मैं कॉलेज ऑफ साइंस में काम करता हूँ, तो डिपार्टमेंट ऑफ़ फिज़िक्स के अंदर। तो मैं कोशिश करूँगा आज आपको जितना भी हो सकेगा मैं यूनिवर्सिटी का एरिया आपको दिखाऊँगा। तो यूनिवर्सिटी जो है यहाँ मेरे घर से 5 से 8 मिनट लगते हैं बाई कार हमें, तो डिपेंड अपॉन ट्रैफिक्स। तो चलिए विजिट स्टार्ट करते हैं। तो आई होप कि आपको पसंद आएगा, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको यूनिवर्सिटी कैसी लगी। ये यूनिवर्सिटी का गेट नंबर 1 है, यहाँ से गेट नंबर 1 स्टार्ट हो जाता है यूनिवर्सिटी का। तो एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस यूनिवर्सिटी का यही है। मैं अभी यूनिवर्सिटी में एंटर हो चुके हैं यहाँ से। ये पूरा एरिया जो है यहाँ से यूनिवर्सिटी का मेन गेट नंबर 1 से है अंदर जाके। यहाँ से एक साइड में हमारा मेडिकल कॉलेजेस वगैरह का एरिया आता है और दूसरी साइड में बाकी कॉलेजेस आते हैं यहाँ से। कॉलेज की जो पार्किंग में हूँ, मैंने अभी यहाँ पे गाड़ी पार्क की है, तो यहाँ से हमारी कॉलेज सामने है। ये कॉलेज ऑफ साइंस यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये पूरी बिल्डिंग जो है कॉलेज ऑफ साइंस की है। उसके अपोजिट राइट साइड में जो है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बिल्डिंग है। तो इसी तरह बाकी यहाँ से आगे सारी कॉलेजेस हैं और वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, सामने मस्जिद है हमारी यहाँ पर। तो मैं अभी आपको कॉलेज ऑफ साइंस में लेके चलूँगा, तो वहाँ से दिखाता हूँ। तो ये कॉलेज का मेन एंट्रेंस है हमारा। मरहबा, हेलो। तो मेन एंट्रेंस से हम अंदर दाखिल होते हैं कॉलेज में। तो यहाँ से सीधा जो ग्राउंड फ्लोर में फ्रंट साइड जो है, यहाँ पे सारा डिपार्टमेंटल लैब्स हैं, स्टूडेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की लैब्स हैं यहाँ पे, रिसर्च लैब्स हैं यहाँ पे। ये भी मैं सेकंड फ्लोर में जा रहा हूँ। ये सेकंड फ्लोर पे कॉलेज का मेन लॉबी का एरिया है यहाँ से। तो यहाँ से हमारे डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स जो हैं उसमें हम जा सकते हैं। राइट साइड में मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का, फिज़िक्स का डिपार्टमेंट है और लेफ्ट साइड में बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का एरिया है। यहाँ से पूरे डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स हैं, ये मैथमेटिक्स का है और आगे जाके फिज़िक्स का एरिया आएगा। तो यहाँ से जो है ये हमारे एक लॉन्ग रनवे है यहाँ से, तो फुटपाथ है बेसिकली। इसके दोनों साइडों में कॉलेजेस हैं, एक साइड में साइंस कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, आर्ट्स कॉलेज है, और इसके दूसरे साइड में जो है बिज़नेस कॉलेज है, कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस की कॉलेज है यहाँ पे, एग्रीकल्चर कॉलेज है यहाँ पे। तो मैं इस लॉबी से आपको कम्प्लीटली मतलब पूरा दिखाऊँगा यहाँ से कहाँ कहाँ से डिपार्टमेंट्स हैं हमारे। यहाँ से दोनों साइडों से कॉलेजेस हैं, राइट साइड में बिज़नेस कॉलेज है और लेफ्ट साइड में जो है यहाँ से कॉलेज ऑफ साइंस है। तो इसके बाद यहाँ से अगर हम आगे चलते जाएंगे
यहाँ पे इस एरिया में जो है मोस्टली कार्स अलाउ नहीं हैं, सिर्फ बाईसाइकल्स वगैरह से आप अंदर आ सकते हैं कॉलेज में, तो यहाँ हम कार नहीं लेके आ सकते अंदर। यहाँ पे स्कूल ऑफ बिजनेस है, बिल्डिंग नंबर 23। तो यहाँ से कॉलेज ऑफ साइंस की बिल्डिंग है, बिल्डिंग नंबर 9। और यहाँ से अपोजिट साइड में जो ये आपको फुटपाथ दिख रहा है ब्रिज, तो इसके लेफ़्ट साइड में जो एरिया है ये आर्ट्स कॉलेज का है, और राइट साइड में जो एरिया है ये सेंट्रल लाइब्रेरी का एरिया है। यहाँ फुटपाथ के नीचे बड़ा खूबसूरत एरिया है, यहाँ पे डीनशिप ऑफ स्टूडेंट्स अफेयर्स का है यहाँ से राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में जो यहाँ से है जूम करके देखेंगे कॉलेज ऑफ एजुकेशन है। तो ये दो ओवर ब्रिज हैं यहाँ पे, यहाँ से आप क्रॉस कर सकते हैं यूनिवर्सिटी से एक साइड से दूसरे साइड। यहाँ से सेंट्रल लाइब्रेरी का एरिया है, लाइब्रेरी बेसिकली बहुत बड़ा एरिया है लाइब्रेरी का, तो इंशाल्लाह कभी मैं एक दिन लाइब्रेरी के अंदर जाऊँगा और मैं पूरा आपको लाइब्रेरी दिखाऊँगा, काफ़ी बड़ी है। यहाँ आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैंपस को बाहर से दिखाने की। ये जो है हमारी यूनिवर्सिटी की मॉस्क है, ये ऑलमोस्ट आई थिंक ये 4000 स्क्वायर फीट से भी बड़ी मॉस्क है ये कम्प्लीटली। तो ये पूरा एरिया जो है यहाँ से ये सेंट्रल लाइब्रेरी आती है, हमारी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का एरिया है। इसके अंदर बाकी भी डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं, तो जब भी कभी इंशाल्लाह टाइम होगा तो मैं आपको ये पूरा एरिया दिखाऊंगा, यहाँ से पीछे पूरा कॉलेज है। ये सिर्फ एक साइड है कॉलेज का, इसके बाद हमारे बाकी साइड्स जो हैं जैसे मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेजेस वगैरह हैं, प्रिपरेटरी ईयर डीनशिप है, इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी का, वो सारे कॉलेजेस दूसरे एरिया में हैं। तो ये जो सामने बड़ी बिल्डिंग हमारी दिख रही है ये 5 स्टोरी की बिल्डिंग है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में मैं आज अंदर जाके आपको बिल्डिंग का दिखाऊँगा। तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग वी हैव हियर इन आवर डिपार्टमेंट। सामने गेट नंबर 12 है हमारा, तो इस गेट नंबर 12 से जब हम आते हैं तो सीधा हम एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के सामने जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी के बहुत सारे गेट हैं, हर कैंपस हर कॉलेज के साथ में एक अलग से गेट है वहाँ पे। तो ये सामने जो है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है पूरी, इसको बिल्डिंग नंबर 3 बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है ये, तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज 5 स्टोरी बिल्डिंग है। तो इंशाल्लाह मैं इस बिल्डिंग के अंदर जाऊँगा अभी, तो मैं दिखाऊँगा अंदर से जो व्यू है। ये बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है हमारे यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे जो अंदर का इंटीरियर है इसका बहुत ही खूबसूरत सजाया हुआ है। तो मैं कोशिश करूँगा अंदर से जितना ज़्यादा हो सकेगा मैं आपको उसका अंदर की लुक दिखाऊँगा। मैं भी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के अंदर हूँ, ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के अंदर का इंटीरियर बनाया हुआ है, 5 स्टोरी बिल्डिंग है ये। ये एक सबसे खूबसूरत जगह है हमारी यूनिवर्सिटी की, बहुत ब्यूटीफुल इंटीरियर डिज़ाइन किया गया है इसका। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे ये पूरा यूनिवर्सिटी का मैप है यहाँ पर,
ये मैं अभी फिफ्थ फ्लोर पे हूँ। अगर यहाँ से नीचे देखेंगे बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखता है। यहाँ पे बड़ा अच्छा डिज़ाइन किया गया है, इंटीरियर जो बनाया गया है पूरी बिल्डिंग का, 5 फ्लोर की बिल्डिंग है। यहाँ से स्टेप बाय स्टेप आप इसको देख सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत व्यू है ये। तो आई होप कि आपको आज का विज़िट जो है ये बहुत पसंद आया होगा। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि कुछ एरिया जो है यूनिवर्सिटी का मैं आपको दिखा पाऊँ, बट अभी भी ये जितना भी मैंने आज मैंने दिखाया है ये आई थिंक मैक्सिमम 25 से 30% का एरिया ही मैं दिखा पाया हूँ। बाकी यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कैंपसेस हैं, बहुत सारी कॉलेजेस हैं, हर एक कॉलेज का बिल्डिंग का अंदर का इंटीरियर जो है वो टोटली डिफरेंट है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करता रहूँगा बाकी की कॉलेजेस का इंटीरियर अंदर का भी जो है वो भी मैं आपको दिखाऊं। तो उसके साथ साथ मैं यहाँ से जो जितना यूनिवर्सिटी का एरिया है इससे काफ़ी बड़ा एरिया जो है यहाँ पे हाउसिंग का भी है। तो हाउसिंग्स में दो किस्म की हाउसिंग अवेलेबल हैं यहाँ हमारी यूनिवर्सिटी में, जिसमें हमारे पास विलाज़ हैं, एक 3-स्टोरी विलाज़ हैं पूरी फुल फैमिलीज़ के लिए, और उसके बाद अपार्टमेंट सिस्टम भी है। और यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट जो हैं यहाँ पर हमारे पास प्लेग्राउंड्स भी हैं मौजूद हैं, जिसमें इंडोर स्टेडियम्स हैं, आउटडोर स्टेडियम्स हैं। तो इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप जब मौका मिलता रहेगा तो मैं आपको पूरा जो व्यू है हमारा यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर सारा जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा।